नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में अष्ट विनायक श्री महापुराण कथा चल रही है और आज कथा का पांचवा दिन था। 19 सितंबर पांचवें दिन की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोग की जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज की कथा का पूरा सार तत्व आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसी कथा में गुरुजी ने जो रोचक पत्र पढ़े हैं, साथ ही जो उपयोगी जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं, वो सभी जानकारियां आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का सार तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जो विवेक से काम करता है और विनम्रता में अपना जीवन यापन करता है, समझ लेना वो गणेश जी की पूजन रोज करता है, प्रतिदिन करता है, क्योंकि विनम्रता आपके अंदर नहीं है तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। माउंट एवरेस्ट और कैलाश में चढ़ने में अंतर है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने में एक स्पर्धा होती है, कैलाश में चढ़ने के लिए श्रद्धा होती है। स्पर्धा और श्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर है। स्पर्धा में केवल दिखावा होता है, कॉम्पिटिशन होता है और आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, जबकि श्रद्धा में ऐसा नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुड़िया गुप्ता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति 20 साल से दारू पीते थे, मैं बहुत परेशान थी। मैं सहेली के घर गई तो सहेली ने बताया सीहोर वाले महाराज की कथा आती है आस्था चैनल पर, तो टीवी में उनकी कथा संकल्प लेते हुए सुनाकर। संकल्प लेकर कथा सुनना, 20 सितंबर 2022 को पहली बार आपकी कथा सुनी जिसमें आपने पशुपतिनाथ व्रत का भी वर्णन किया था और मैंने संकल्प किया मेरे पति की दारू नहीं छूट रही है, मेरे पति का दारू छूट जाए और मैं पशुपतिनाथ व्रत भी करूंगी और जिस दिन दारू छूट जाएगी उस दिन कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण भी करूंगी। मेरा पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ पर पति दारू छोड़ने को तैयार नहीं हुए। किसी ने कहा कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है, तो मैं पावागढ़ की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सिर्फ एक दिन की कथा सुनी और रज को अपने मस्तक पे लगाकर बाबा से निवेदन किया कि मेरे पति को नशा को देखकर घृण हो जाए, दारू को देखकर विष नजर आए, ऐसी कृपा करें। और कथा सुनकर घर ही आई थी, पति ने दारू पीनी छोड़ दी है, उन्हें शराब से घृणा होने लगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के जो विनायक हैं वो बल्लालेश्वर विनायक हैं। प्रथम विनायक मयूरेश्वर विनायक हैं, द्वितीय विनायक सिद्धि विनायक हैं और तीसरे जो आज की कथा में गुरुजी ने बताया है नंबर के विनायक वल्लालेश्वर विनायक हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। श्री महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ से भी निवेदन करना कि भोलेनाथ कभी किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, दूसरे से निवेदन ना करना पड़े। भोलेनाथ आप पर ही इतना विश्वास अधिक हो, इतना भरोसा हो कि मेरा भरोसा कभी डगमगाए ना, मेरा भरोसा हमेशा प्रबल रखना। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। तुम शरीर से टूट जाओ चलेगा पर मन से नहीं टूटना चाहिए। अगर परेशानी आई है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ से बोलना चाहिए और ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि भोलेनाथ मेरी परेशानी जरूर दूर करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। सोनाली जी पुणे से पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ, मैं बताना चाहूंगी कि मेरा भाई हर बार हार रहा था। एक बार इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसे लगा कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तब मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और बताया। वह सीहोर वाला महाराज छाती ठोक के कहता है कि मेरा बाबा बेटा है, तू टेंशन मत ले। तो तू क्यों टेंशन में बैठा हुआ है, पशुपतिनाथ व्रत कर और बाबा पर विश्वास रख। भाई ने पशुपतिनाथ व्रत किया और जैसे जैसे सोमवार आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे उसका विल पावर भी मजबूत होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे भाई की भुसावल में मध्य रेलवे में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। शिव को दिया हुआ कभी नहीं घटता, संत को दिया हुआ कभी नहीं घटता। आपने थोड़ा सा भी किसी संत को दिया है तो वो कभी नहीं घटता। और यदि आपके घर में बहन बेटी आई हुई है, आपने उसके लिए थोड़ा सा भी धन खर्च किया है, थोड़ा सा भी उसे दिया है और साथ ही आपने गौ माता को भी दिया है, तो उनको दिया हुआ कभी नहीं घटता। संत, ब्राह्मण, बहन बेटी, गौ माता, इनको दिया हुआ दान कभी नहीं घटता है, यह बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। जो बंधन में मुक्त हो, जो बंधन में लगा हुआ हो, जो बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे वल्लालेश्वर विनायक का दर्शन करना चाहिए। आज की कथा की दसवीं जानकारी की ओर। चौथे नंबर के विनायक है वरद विनायक।
जो दिन रात अपना द्वार खोलकर वरदान देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कंचन विजय चौहान जी पत्र लेकर आईं। गुरुदेव में लोगों के बहकावे में आकर सनातन धर्म को छोड़ दिया था और क्रिश्चियन धर्म में चली गई थी। गजब की आपकी सीमा प्राण है, मुझे क्रिश्चियन धर्म से वापस सनातन धर्म में लेकर आ गई। मेरी बेटी गर्भ में ही बीमार थी, गले में गठान थी, दिल में 7 mm का छेद था, जुबान मोटी थी। डॉक्टर ने हटाने को कहा था और कहा था ये बच्चा 7 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। मेरी माँ ने भी कहा जब बच्चा गर्भ में था कि शंकर पर विश्वास रखकर वह जरूर सब सही कर देगा। तब से मैं श्री माँ प्राण कथा सुनना शुरू की। मैंने बच्चे को जन्म दिया, बेटे को वही सभी समस्याएं थी, गले में गठान, हृदय में छेद और जुबान मोटी थी। मैं और मेरी बेटी क्रिश्चियन धर्म में जाने के बाद भी आपकी श्री माँ प्राण कथा सुनना शुरू किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया था, ऑपरेशन की तैयारी चलती रही। हम शिव मंदिर जाते रहे, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके बेटी को लगाना शुरू किया। बाबा का क्या गुणगान करूं। जब ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसका छेद भर रहा है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जुबान का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको बाकी 2 ऑपरेशन होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके गले की भी गठान गल गई है, उसी का आभार व्यक्त करें कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मनीष जी पत्र लेकर आए। मेरे बेटे को अचानक एक रोग हो गया था जिसके कारण शरीर की सभी नसें चोक होने लगीं, जिसके कारण वह चल भी नहीं पाता था। डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे और बेकार हो जाएगा। आईसीयू में रखे 6 दिन हो गए थे, बच्चे की हालत और अधिक खराब हो गई थी। किसी ने कहा मेरे पास सीहोर कुब्रेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, आप उस रुद्राक्ष को रात में पानी में गलाकर सुबह शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके बेटे को देना शुरू करो। मैंने भी ऐसा ही किया, 1 महीने तक जल बेटे को पिलाती और उसके शरीर में भी लगा देती। बाबा का क्या मैं वर्णन करूं। जहां डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे वहीं मेरा बेटा इसी महाप्राण में चलकर आया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक देव पिता श्री महाप्राण कथा कोटा में होने वाली है। कथा का एड्रेस इस प्रकार है, दशहरा मैदान कोटा। इस 5 दिवसीय श्री महाप्राण कथा का आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। देव पिता श्री महाप्राण कथा जो लोग जहाँ से भी सुन रहे हैं, यदि आप टीवी के माध्यम से भी कथा सुन रहे हैं तो हाथ में 4 दाने चावल के लेकर अवश्य सुनिएगा। अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जो बालक नशे चोक होने की वजह से चल भी नहीं पाता था, उस छोटे से बच्चे को गुरुजी ने कथा पंडाल में व्यासपीठ के पास बुलाया और उसे पैदल चलते हुए व्यासपीठ तक आने को कहा। उस श्री महापुराण का आशीर्वाद प्रदान किया, उसके बाद उसे जाते समय भी चलकर जाने को कहा। उसे बच्चे को चलकर जाते हुए देखकर हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे और शिव के प्रति विश्वास इतना प्रबल था। आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई होगी उस दृश्य को देखकर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाएँ हैं वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कोटा राजस्थान में होने वाली है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक कोड़िया छत्तीसगढ़ में होने वाली है। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी, अक्टूबर महीने में होने वाली जो कथा रहेगी, वो 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक नागपुर में होने वाली है। नागपुर में रहने वाले लोगों के लिए मेरी ओर से अग्रिम बधाइयाँ। आज के इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।